नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहें दोस्तों। तो जय माँ अम्बे विलेज कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तो चलिए आप लोगों को दिखाते कौन सी रेसिपी हम बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने रेसिपी बनाने के लिए बिल्कुल हम सिंपल तारे की रेसिपी बनाएंगे, तो हम कुछ और ज़्यादा नहीं बनाएंगे। आज हम गर्मियों में पीने वाला शरबत बना के दिखाएंगे, वो भी ठंडे पानी से। देखिए यहाँ पे हमने ठंडा पानी लिया, यहाँ पे हमारे पानी, ये देखिए बोतल में हमारे बर्फ़ अच्छी तरह से जम गई है, इसी का हम ठंडा ठंडा शरबत बनाएंगे। पानी को हम इसमें पलट लेंगे। यहाँ पे हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी ले लिया है, जो हमारा बर्फ़ वाला पानी है। देखिए बहुत ठंडा है, बर्फ़ हमारी गल गई है। देखिए अब इसमें हम एक कटोरी चीनी डालेंगे, ये शरबत हमारा बिल्कुल सिंपल तारीख वाला शरबत है, आप इसको बहुत आसानी से बना के पी सकते हैं। ठंडा कुछ पीने का मन करे तो आप इसको, हम चीनी को इस तरह मिला देंगे। यहाँ पे हमारी चीनी गल गई है, देखिए थोड़ा सा रह गई है। अब इसमें हम डालेंगे एक नींबू, देखिए अरे नींबू का जूस हम निचोड़ देंगे। यहाँ पर हमारा शरबत बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हमने ये देखिए फाइबर की गिलास लिया है, इसमें शरबत पीने से बहुत अच्छा लगता है, इसी में हम शरबत को निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा खट्टा मीठा शरबत बन के रेडी हो गया है। ये हमारा शरबत बिल्कुल सिंपल तरीके का है दोस्तों। ये हमारा चीनी और नींबू का शरबत है, तो इसको लोग बहुत आसानी से बना के पी सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का शरबत पहले के लोग बना के पीते रहे, मेहमानों को पिलाते रहे दोस्तों, पीने में बहुत टेस्टी है। दोस्तों इसको एक बार ज़रूर बना के पीजिए, पीने में बहुत टेस्टी है दोस्तों। ये रेसिपी हमारी ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों। ये शरबत वाली रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।